तो ये हमारा मूंगफली और हरी धनिया की चटनी बनके तैयार है। इस चटनी के लिए हमने 100 ग्राम के आसपास मूंगफली के दाना लिए हैं और उसे एक फ्राई पैन में या आप तवा पर भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो हल्का सा हमें इसे भूनना है बगैर तेल का, केवल इसे इसका हम छिलका उतारने के लिए इसे भूनेंगे और भूनने से इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आता है। आप चाहे तो छिलका नहीं भी उतार सकते हैं भून के। तो ये देखिए इसी प्रकार से हम इसको हिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये भून गया है। अब हम इसे निकालेंगे और सारे मूंगफली के छिलके को हमने इस प्रकार से निकाला है। आप चाहे तो बगैर छिलका निकाले भी इसे बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसके छिलके निकाल के हम रखेंगे इसे। और टोटल सामग्री हमने 100 ग्राम के आसपास मूंगफली के दाने, 50 ग्राम के आसपास हरी धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 से 4 हरी मिर्च हमने लिया। तो अब मिक्सी जार में मूंगफली के दाने को डालेंगे। उसके बाद हम फिर अदरक डालेंगे। अदरक को हमने 2-3 भागों में काट लिया था ताकि अच्छे से पीस सके। और लहसुन डालेंगे, उसके बाद 2 हरी मिर्च और 2 हम लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा तीखापन के लिए। और हरी धनिया डाल के इसमें थोड़ी सी नमक भी ऐड कर लेंगे हम। और उसके बाद थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जिस प्रकार से आपको इसका टेक्सचर रखना हो, गाढ़ी या पतली, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। तो इन सारे को हम पीस लेंगे। तो देखिए हमारा फाइनली ये मूंगफली और हरी धनिया की चटनी बनके तैयार है। आप एक बार इस चटनी को अपने घर पर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस प्रकार की चटनी आप रोज़ बनाएंगे एक बार यदि बना लेते हैं तो, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सर्दियों में आप भी बनाएं मूंगफली और हरे धनिया की चटनी। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।